हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल धीरज सफरनामा में। और मैं इस समय निकल रहा हूँ, लेह की ओर बढ़ रहा हूँ। और मुझे पहला लिफ्ट मिल गया है, ये भाईजान है, क्या नाम है आपका भाईजान? सजाद भाई है जो मुझे पहला लिफ्ट दिए हैं, तो ये आगे तक जाएंगे। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया जो इन्होंने अपना कश्मीरियत इंसानियत दिखाया है, देखिए सजाद भाई का। तो चलिए फिर आगे अपडेट करेंगे आपको और रास्ते का ब्यूटी दिखाते हैं, सुंदरता दिखाते हैं, काफी सुंदर रास्ते हैं ये। तो भाई, सफर की शुरुआत हमारी हो चुकी है और ये देखिए एक दरिया है, इसका नाम मैं भूल। सेकंड लिफ्ट से मैं सोनमर्ग पहुंच गया हूं और ये भाईजान है जिन्होंने मुझे लिफ्ट दिया। आपका क्या नाम है? तपस भाई हैं, प्रताप भाई हैं। और आपका क्या नाम भैया? रवि भाई हैं। तो दूसरी लिफ्ट में मैं सोनमर्ग पहुंच गया। तो देखिए ये सोनमर्ग है, और मैं रात में यहाँ पे इस दरिया के किनारे, नदी के किनारे टेंट लगाऊंगा। ये जो दरिया है भाई, सोनमर्ग में मैंने अपना टेंट लगा दिया है नदी के किनारे, और मैं यहाँ पे लकड़ियाँ चुनने निकला हूँ इस जंगल में। जंगल में कोई नहीं है और मैं यहाँ पे लकड़ियाँ चुनने निकला हूँ। लकड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा मिल नहीं रही है, लेकिन फिर भी रात में मैगी पकाने के लिए या कुछ और बनाने के लिए लकड़ियाँ तो चाहिए। तो देख रहे हैं। तो गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ सोनमर्ग, और यहाँ पे मैंने अपना टेंट लगा दिया है, और बगल में बंगाल के लोग हैं, वो टेंट लगाए हैं। और ये दरिया जो है, पाकिस्तान से पानी बहता हुआ यहाँ पे आ रहा है। तो आज इसी टेंट में समय गुजारना है। और ये पहाड़ हो गया, यहाँ से थोड़ी सी दूर के बीच में है ग्लेशियर। तो खैर, आगे तो ग्लेशियर ही ग्लेशियर है, तो आगे जाएंगे हम। तो चलिए मिलते हैं। ऐसा कोई नहीं, तो पटाए जाओ मुझे तो झूले पूरे मुड़े जाए। अभी तो फोन करी थी, छुना भूए भूए फोन धोते बच्चे ना बच्चे मुर्गा भाग रहा है। तो सब घूमो से अगला पड़ाव हमारा कारगिल है, जहाँ पे दो तीन रातें मैं रुकूंगा। और अभी हम सोनमर्ग से निकल रहे हैं। भाई ने फिर से मुझे लिफ्ट दे दिया है कारगिल तक, तो मैं वहीं दो तीन दिन रुकूंगा। तो इन्होंने रात में हमारा नाइट स्टे रॉयल बना दिया था। वाकई में ये मेरा पहला रॉयल नाइट स्टे था। तो तीन रातें तो मैंने यहाँ पे, सॉरी, ये पांचवा टेंट मैंने लगाया था, लेकिन रात का जो नाइट स्टे था काफ़ी रॉयल था। हमने लकड़ियाँ जलाई थी, इन्होंने चिकन वगैरह बनाया था, फिर मैगी बनाया था, और सुबह में जो चावल बचा था और चिकन का रस बना था, उसको फ्राई करके सुबह में हमने नाश्ता किया। तो गाड़ियाँ पैक हो रही है, और ये रहा सोनमर्ग। You say never let me go.
सर यस सुनिए छू दीजिए और बहुत जाते हैं ছবি তুলে মানে কন্যা